पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयो न कोए, ढाई आखर प्रेम का पढ़ो स पंडित होए। इन चंद लाइनों में संत कबीर ने बड़ी ही प्यार से प्यार को समझाया है। क्या कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। लेकिन यदि कोई प्यार के केवल ढाई अक्षर ही पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। जसलन से मैं हूं सूरी, और आज आपको इस कहानी से इस बात का एहसास होगा कि वास्तव में प्यार बहुत ही प्यारा होता है। कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक छोटा सा पपी जो कि ना तो बहुत छोटा था और ना ही बहुत बड़ा था, एक बड़े ही धनाढ्य परिवार वाले घर में अंदर चला जाता है। तो घर के बाहर जो मालिक और उनकी पत्नी, जो घर के मालिक और उनकी पत्नी है, वो बाहर ही बैठे होते हैं। तो मालिक और वो पत्नी जो उनकी बैठी होती हैं, वो कुत्ते को बाहर निकालने के लिए प्रयास करते रहते हैं, बट फिर भी वो जो पपी है वो बाहर नहीं जाता। और ये सब जो मालिक है उनका नौकर सब देखता रहा। कुछ देर बाद, कई सारे प्रयास करने के बाद भी वो पपी बाहर नहीं गया। तो जो नौकर था वो वहाँ पर आया जहाँ पर पपी बैठा हुआ था। नौकर वहाँ पर आया तो उसने देखा कि जो पपी बैठा हुआ था बहुत ही सहमा हुआ सा, डरा हुआ सा बैठा हुआ था। तो उसने अपने मालिक से कहा कि मालिक, आप इसे बाहर मत निकालिए, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। तो मालिक ने कहा ठीक है। कई वर्षों के बाद जब वो पपी काफ़ी बड़ा हो गया, तो जो उस घर का मालिक था, जो मालिक था, वह देखता है कि जो कुत्ता है जो अब काफ़ी बड़ा हो गया है, कुत्ता और उस नौकर के बीच में इतना घनिष्ठ संबंध हो गया था, इतना प्यारा रिश्ता हो गया था कि ऐसा जैसे किसी पिता और पुत्र में हो गया हो। तो फिर जो मालिक है वो अपने नौकर से जाकर पूछता है कि ये सब कैसे है? तो नौकर अपने मालिक से बड़ी ही विनम्रता के साथ कहता है, बड़ी ही प्यार से कहता है कि मालिक, प्यार में बहुत ताकत होती है। ये इंसान को ही नहीं बल्कि जानवर को भी अपना बना सकती है। बस इतनी सी थी कहानी। और इस कहानी को सुनने के बाद आपको जरूर इस बात का एहसास हुआ होगा कि वास्तव में प्यार बहुत प्यारा होता है, और जिसके दिल में प्यार होता है और वो जो हमेशा प्यार बांटता है, उसे पूरी दुनिया सलाम करती है। इसलिए सूरी भी आपसे कहता है कि करिए कुछ ऐसा काम कि दुनिया करे आपको सलाम। और मेरे साथ आप अपने MBBSC 2019 की प्रिपरेशन बेहद ही आसान तरीके से और स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ करते रहें। और एक बात और जो सूरी आपसे कहता है कि हमेशा मुस्कुराते रहिए और अपनी मुस्कान को बिखेरते रहिए।